बोलते हैं, हटा दिया, हाँ हटा दिया जाता है, मतलब दोनों की जगह बोलने हो जाता है। ठीक है चुप करो अभी, इसका पता नहीं, इसका लॉजिक ठीक नहीं है, मगर कुछ बट ऐसा ही होता है ना। मैंने जुबान लगाई है, देखा अरिजीत सिंह सर, तो अरिजीत नहीं होता है, अरिजीत होता है हमें पता है, बट हम बंगाली में ए एंड ओ को मतलब क्या बोलते हैं, हटा दिया है, हाँ हटा दिया जाता है, मतलब दोनों की जगह एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है चुप करो अभी, इसका पता नहीं, इसका लॉजिक ठीक नहीं है, मगर कुछ बट ऐसा ही होता है ना। ए एंड ओ लाइक इस नॉट अर्पिता, इट्स अर्पिता, हाँ ये नहीं बोलते हम, ओ बोलते। यहाँ पे लिरिसिस्ट है इरशाद कामिल सर एंड आशीष पंडित सर, जिनका हमने पहले कभी कोई लिरिक्स नहीं सुना है हमें, जितनी दूर तक पता है मुझे, मतलब मैंने नहीं सुना है उन लोगों का कोई लिरिक्स, क्योंकि पहले तो हम चैनल खोलने से पहले हम देखते नहीं थे कौन लिरिक्स लिखता है, ये पहली बात, और सेकेंड में चैनल खोलने के बाद से हम लोगों ने इनका कोई लिरिक्स नहीं देखा है। आई कैन श्योरली टेल यू दैट। तो अभी देख लेते हैं कि कैसा होता है ये वाला गाना। एंड अरिजीत सिंह का गाना हम बहुत दिन बाद सुन रहे हैं, क्योंकि बीच में तो उनका गाना कोई प्रोड्यूस भी नहीं हुआ, मतलब न्यू सॉन्ग हाँ, छोड़ा ही नहीं, सुनेंगे कहाँ से। और पहला वाला सॉन्ग तो सुनते ही रहते हैं डेली बेसिस, वो उसमें और कोई बात है क्या, बात तो है ही नहीं, तो देख लेते। तरफ मूवी का सॉन्ग है ये, 3 दिसंबर को रिलीज होने वाली ये वाली मूवी, तो जाके देखना अगर आपको अच्छी लगती है तो, एंड रोमांटिक मूवी होने वाली। अच्छी लगती है मतलब क्या, तुम मतलब ट्रेलर देख लेना यार, ट्रेलर में अगर अच्छा लगे तो जाके देख लेना, ये बोलना चाहिए था। हाँ ओके, सो लेट्स सी द सॉन्ग, बहुत छोटा है से जुबान लगाएगी अपने दिखा अवान, नाम बोल बना, चलो 1 2 3 स्टार्ट। यस मोहब्बत में यूं हद को पार किया, मोहब्बत में यूं हद को पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, दर्द की हदों को भी पार किया, दर्द की हदों को भी पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, खुशी देके तुमको गम उधार लिया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, बड़ी अजीब सी चीज, हजारों से लड़ जाता है और किसी एक से हार जाता है। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, क्या लास्ट वाला सीन मुझे कुछ समझ नहीं आया, हो क्या रहा था यार, तुम्हें मूवी देखने के बाद ही समझ आएगी। और ये क्या अभी ये 18 कुछ महीने पहले ही टर्न ऑन हुई, नहीं साल होने वाले हैं मगर हम नहीं, आई एम गेटिंग 19 तो हम नहीं देख लेंगे।
एक और दो मंथ बाकी है, उसके बाद ही मैं 19 की हो जाऊंगी। तो क्या हुआ, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। ये सब नहीं बोलना था। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, आई विल डिसाइड कि तू रोमांटिक सीन मेरे साथ देखेगी कि नहीं। नहीं, वो देख सकते हैं, मैंने जस्ट ओवर रिएक्ट किया है, यू नो इंडियन गर्ल्स। वैसे भी मैं नहीं देखती। अच्छा, तो फिर तो मैंने ठीक ही किया, फिर मुझे मारा क्यों? तुमको एज के लेके सुनाने का किसने बोला? एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द सॉन्ग। ओके, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू अबाउट दिस सॉन्ग, क्योंकि मुझे बहुत, मैं ये बात हर सॉन्ग में बोलती हूँ, बट ये वाला मुझे कुछ अलग बोलना है, रुको। बट अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स में ना, आप अगर फील नहीं करते हो गाने को तो वो क्या फील करा देता है लिरिक्स को भी, तो क्या करते हो यार? क्या लिरिक्स लिखे यार, एंड द सॉन्ग वी रियली फेल्ट दैट यार, बहुत अच्छा लगा। एंड उनके सुर जहाँ जहाँ लगते हैं ना, मतलब हाई नोट्स जब वो लगाते हैं ना, तो आपको बस, मुझे ना बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रूमेंट थे ना, उसका लाइक साउंड इतना ज्यादा सूदिंग लग रहा था, मतलब कोई भी अगर सुने ना तो क्या बोलूं, फॉल इन लव हो जाएगा उनका। अब मैं भूल गई ना जो बोलने वाली थी, अब तो कौन, मुझे क्या, कौन याद दिलाएगा मुझे यार, मुझे, मैं भूल गई जो बोल रही थी यार। एंड द लास्ट लाइन यार, वो जो लास्ट लाइन था, कौन सा वाला? वो लास्ट में बोला ना कि दिल किसी एक से ही हार जाता है, वो वाला हाँ। जो था ना, ये मर गई वो सुन के, अभी जिंदा हो गई गाना सुनने के बाद। नहीं, गाना बहुत अच्छा था, एंड आई लव दैट कि वो सस्पेंस रखा हुआ था ना मूवी में। मैंने सोचा कि थ्रिलर वाला होगा, यहाँ पे लिखा है रोमांटिक वाला है, पता नहीं रोमांटिक थ्रिलर कुछ मिला के उसके बीच में कुछ रखा हुआ होगा, तो वो तो मूवी देखने के मुझे बाद विजुअल से ज्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूंगी। 2 मिनट का वीडियो था, और 2 मिनट का वीडियो था और 50 सेकंड तो इसने हाथ मार के आधा देखने नहीं दिया। तो ये देखेगी बाद में, नहीं तो सुन लेना ना, गाना सुन लेना तो। या गाना हम लोग सुनने वाले, क्योंकि गाना में बहुत, और अरिजीत सिंह सर का ये वाला गाना बहुत लेट आया, मतलब बहुत दिन बाद आया है, लेट। मैंने ये ना सुना था, ये मुझे सच नहीं मालूम है, और कुछ जाने वगैरह बोल देना सही नहीं है, बट मैंने ऐसे सुना था कि अरिजीत सर न्यू कमर्स को भी चांस देना चाहते हैं, तो दैट्स व्हाई ही इज लाइक कि मैं अभी कुछ दिन तक खुद के प्रोड्यूस गाने नहीं डालूंगा और समथिंग। क्या यही था, मुझे नहीं पता ये, है, तो ये मैंने सुना था। आपको तो न्यूज वाले को पता ही है, इतना सा होता है, इतना बड़ा बड़ा बोलते हैं। हमें पता नहीं कि बड़ा चला के बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आके डाल देना मतलब कमेंट बॉक्स। एंड उनके वो इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ है ना, क्या बताओ। एंड आपको तो पता ही होगा कि उनका घर वेस्ट बंगाल में था, मालदा में, तो वो ना मतलब नॉट जस्ट इन मालदा बट इन वेस्ट बंगाल, वो मतलब साल में कितने बार आते हैं आपको शायद ये फेसबुक या फिर कहीं और पता चलेगा, क्योंकि वो हमेशा आते जाते रहते हैं। इवन कि कुछ महीने पहले भी हमारे घर के लाइक एकदम पास नहीं, बट हमें उनके जाने के बाद पता चला था कि वो यहाँ पर किसी रिजॉर्ट में घूमने यहाँ आए थे, तो ये सुन के भी कितना अच्छा लगता है। नहीं, ना वो आए थे और फिर फोटो खिंचाई बहुत लोगों के साथ, ऐसे कॉलेज का या कॉलेज का कॉलेज के भैया के साथ भी फोटो खिंचाया था, और हमें उससे ही पता चला कि वो यहाँ भी आए थे, तो ही सच्चे हम्बल पर्सन यार, वो तो बोलने की भी जरूरत नहीं। हाँ, सभी को पता है, बट हाँ प्रीतम सर को, सर के लिए बोलने के बारे में तुम भूल गई, बोलो प्रीतम सर के गाने के बारे में बोलो, कितना अच्छा गाते हैं वो। यार म्यूजिक प्रोड्यूस भी तो बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। आई रियली डोंट नो कि आप लोगों ने मतलब बंगाली म्यूजिक सुना है कि नहीं, अभी तो सिर्फ गाना ही सुनते हैं उनका, ऐसे कोई शोज में तो अभी शायद नहीं करते। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने प्रोड्यूस किए हैं, इवन इन बंगाली। बंगाली तो मैं वो वाला बोलने वाली थी, इससे रोक दिया मुझे यार। अगर आप, मुझे पता नहीं आप लोग सुनते हो कि नहीं, मगर बंगाली गाना प्रीतम सर का मतलब जो जो म्यूजिक उन्होंने प्रोड्यूस किया है या फिर खुद गाया है, आप जस्ट सुन के देखना अगर आपको टाइम मिले तो। अगर आपको चाहिए वो वाले गाने का नाम, हम सबके लिए रिकमेंड नहीं करेंगे, अगर आपको चाहिए आप कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट करना, विल प्रोवाइड दैट गाने का नाम। अगर आपको देखना है तो कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट करना, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं।
एंड होप यू लव दिस सॉन्ग, जो कि हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि आपको अच्छा लगा होगा. एंड इफ यू लाइक आवर रिएक्शन टू, सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ थम्स अप. एंड अगर आप लोग हमारे चैनल में नए नहीं भी हो, फिर भी सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैंने देखा बहुत जन पहले से है और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड तुझे कैसे पता है कि सब्सक्राइब नहीं किया है? पता है मुझे एनालिटिक्स से. तो सब्सक्राइब करके जाना एंड शेयर दिस वीडियो, बिकॉज वी रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस लव, दिवाली. मैंने बहुतों को कल भी विश किया था, हम दोनों ने हमारे तरफ से. और जिनको भी नहीं कर सके, छूट जाता है ना कभी कभार, तो कभी नहीं छूट तो जाता ही. हैप्पी दिवाली टू यू ऑल एंड मजे करना. हाँ, और कोई भी एनिमल के पीछे वो पटाखे मत लगा देना, उनके सामने पटाखे मत फोड़ना, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. एंड हम भी मतलब पटाखे नहीं फोड़ते बहुत सालों से. एंड वन ऑफ द रीजन इज वो डॉग्स है घर पे, तो उनको बहुत ज्यादा डर लगता है. मुझे पटाखे से डर लगता है यार, इसीलिए मैं नहीं फोड़ती. बट नो, नॉर्मल भी तो हम नहीं फोड़ते ना, क्योंकि उन्हें डर लगता है. और उनका ना वो क्या बोलते है, देख के ना आपको मन नहीं करेगा आपके अगर घर पे कोई एनिमल्स हो. ठीक है, अभी हम रखते हैं. बाय बाय. वीडियो कॉल को यही खत्म करते हैं. बाय बाय, वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.